सो गाइस, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फ़ोन रिसेट होने के बाद प्ले स्टोर की आईडी कैसे बना सकते हो। उसके बाद उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको मोबाइल रिस्टार्ट हो गया तो उसके बाद प्ले स्टोर की आईडी बनाने के लिए प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। देन यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर गूगल वाले बटन पर क्लिक कर लेना है, यानी कि आपको प्ले स्टोर की आईडी बनानी पड़ेगी। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। फॉर माई पर्सनल यूज़ पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो भी नाम है वो लगा देना, आप किस नाम से आईडी अकाउंट बनाना चाहते हो। देन यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह। तो यहाँ पर मैं जो भी आपकी जन्मदिन है वो यहाँ पर आप दे देना। मैंने यहाँ पर जन्मदिन दे दी है। अब यहाँ पर मेल फीमेल आप जो भी हो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना। उसके बाद जो भी आप जीमेल बनाना चाहते हो अपने मन मुताबिक वो आप यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ पर आप अपना नाम कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ से मैं आपके सामने लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे को जीमेल बना के दे देगा। 8 संख्यों का आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट आई एम एग्री पर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा। अब आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना।